हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो पूरा देश लड़ रहा है कोरोना से और ऐसे में हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हाँ, मुसीबत जरूर मरकज से बाहर आए लोगों की वजह से बढ़ी है। प्रदेश में निजामुद्दीन के तबलीगी जमात से लौटे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार तक जमातियों की संख्या 530 थी, अब 927 हो गए। जमातियों की बड़ी संख्या की जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में तबलीगियों की संख्या बढ़कर 927 हो गई है। इनमें से 107 विदेशी हैं और 927 में से 256 कोरोना के संदिग्ध हैं। इन सभी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। साथ ही अनिल विज ने कहा कि पकड़े गए 107 विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उनकी संख्या बढ़ गई है, अब वो 927 हो गई है। हाँ जी, और इसमें से 107 विदेशी हैं। इनमें से 256 को हमने क्वारंटाइन, उनको उनके सैंपल ले लिए, बाकियों को क्वारंटाइन कर दिया। ये जो विदेशी हैं और वो बिना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित किए यहाँ पर आए हैं, और ये कुछ लोग टूरिस्ट वीसा पे आए हैं, तो टूरिस्ट वीसा पे जो आया है वो प्रचार नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं। अभी एक डेथ अम्बाला छावनी की बताई जा रही है, उसका भी एक टेस्ट हो गया पॉजिटिव, दूसरे की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। नहीं, कोई साजिश नहीं है, ये तो अपने धर्म के प्रचार के लिए इनकी ड्यूटियां लगती रहती हैं। बाकी क्योंकि सारे देश में लॉकडाउन हुआ था, तो इस दौरान इनको ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए थी, इनको बंद रखना चाहिए था।